जो टक्कर
सेवा चाहिए। हालांकि वो तारीफ उनकी दुनिया से रुखसत की होती है, वो तारीफ दुनिया से रुखसत की होती है, बजाय हमसे दूर हो जाते हैं। आम भाषा ये कहे तो उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उनकी मौत मौत नहीं है, आम इंसान की मौत है, उनका विसार होता है। उसने आपका ने बताया कि मौत मोमिन के लिए तो है और के लिए मौत मुसीबत होती है, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदों के लिए मौत मौत नहीं, बल्कि अल्लाह से मुलाकात का दिन हुआ करता है, अल्लाह से मुलाकात का दिन हुआ करता है, मौला के कायनात से मुलाकात का दिन हुआ करता है। इसलिए हम लोग उनका रोज मनाते हैं, उसमें कैसे कैसे पकवान बनते हैं, मेहमान आते हैं, खूब सजाते हैं, बढ़िया करके मजार पाक रूप सजाते हैं, आंका को रूप सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, माल रखते हैं कि मेहमान आए उनके लिए मुर्गा पक गया, उनके लिए बकरा पक गया, उनके लिए बिरयानी पक गई, ये सब दिन करते हैं। अगर देखा जाए तो ये तारीख तो उनकी मजार मौत का दिन है, मजार दुनिया से चले गए हैं, तब हम उनका गम होना चाहिए। हाँ, हमारे अंदर हमारी दिल में गम होता है, गम ये होता है कि वो तो हमें देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, ये गम है, लेकिन हकीकत ये है कि मोमिन मरता नहीं है। कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? ऐब से झूठा वो अपने घर गया, ऐब से झूठा वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह, ये और ये अल्लाह की शान है कि जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं, जब उनके सीने के अंदर इश्क रसूल पैदा हो जाता है, खुदा की कसम, और उनके लिए मौत होती है, उनके लिए विसाल होता है, विसाल के माने मुलाकात होती है, किससे मुलाकात होती है? अपने रब से मुलाकात हुआ करती है। ये शान मुस्तफा के गुलामों की है, ये शान हुसैन पाक के गुलामों की है। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए फातिमा के लाल पर, कुर्बान जाइए फातिमा के शहजादे पर। अगर कोई दूसरे ऐसी बात करता तो लोग बोलते कि शादी हकीकत में ऐसा बोल रहा है, शायद मोहब्बत में ऐसा बोल रहा है। अल्लाह ताला ने सबके मुंह बंद कर दिए ताकि मैं खुद बताता हूँ कि शहीदों की शान क्या है, जो मेरी रहमत कुर्बान हो जाए उनकी शान क्या है। अगर हम जिनानी अगर बहुत ज्यादा में तो है, हमने कुछ कम है, इतना
खानदान के फर्द हैं, उसी खानदान के आप बेटे हैं। पता नहीं कसम जब उनके बेटों का ही आलम है, उनके शहजाद खान का ही आलम है, तो आप आलम जाओ। और तो ये समझे कि शायद हमारे इमाम हुसैन मजबूत थे, या आपने जान कुर्बान कर दी, शायद आपके पास पावर नहीं था। अगर किसी के मन में यह ख्याल आए तो इस बात का भी जवाब जाने कैसे किसका क्या बोलता है।
इज्जत मुस्तफा की बात करता है कि नहीं, वो देखना कि इज्जत मुस्तफा की बात करता है कि नहीं, ये देखना कि नामों से रिसालत की बात करता है कि नहीं। अगर नामों से रिसालत की बात करता है, अगर अजमत मुस्तफा की बात करता है, तब समझ लेना कि मोमिन है। अगर अजमत मुस्तफा की बात ना करे, नामों से रिसालत की बात ना करे, सिर्फ कुरान और हदीस दिखाता है, लेकिन सरकार की बात आए और हुसैन की बात आए, अगर उसका चेहरा खराब हो जाए, तो समझ लेना कि पक्का मुनाफिक है। ये पक्का मुनाफिक है, सब हदीस में लिखा हुआ है। एक मैंने सही बात नहीं बताया, जिसके अंदर सरकार मदीना की मोहब्बत है, जिसके अंदर सरकार रहमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदब इश्क ताजी है, जिसके अंदर मौलाए कायनात खुल्फ़ाए राशिदीन, जिसके अंदर बद्र सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, शेख तोता हुसैन करीम अलैहिस्सलाम, जिसके अंदर इनका अदब मौलवी करीम अल्लाह कसम, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो हक पर नहीं हो सकता है। और हक पर होगी है जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सरदार मदीना से मोहब्बत करते हैं, मौलवी आज़म से मोहब्बत करते हैं, खलीफ़ उमर से मोहब्बत करते हैं। आया यजीद दुनिया में आकर चला गया, आया यजीद दुनिया में आकर चला गया, हर आशिक रसूल के, हर आशिक रसूल के घर घर उतर गया, हर आशिक अलग से बना।